भाई साहब 2023 में मास एक्शन एंड ब्रूटल वॉयलेंस के मामले में ब्लॉकबस्टर का नाम आए और एनिमल भाई रणबीर कपूर की एनिमल का नाम ना, ये कैसे हो सकता है। एनिमल मूवी की ओटीटी रिलीज डेट आ चुकी है भाई साहब, सभी लोग नहीं जा पाते थिएटर। यस, पैसे का प्रॉब्लम होता है, टाइम की किल्लत होती है, तो बहुत से लोग वेट करते हैं कि भाई जब अच्छे प्रिंट पर मूवी आएगी तो हम देखेंगे। यस, आपका इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि ओटीटी रिलीज होने वाली है, क्योंकि एनिमल मूवी भाई ओटीटी पर आने वाली है और अच्छे प्रिंट में आप इसे देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी ने कितना कलेक्शन कर लिया है टोटल वर्ल्ड वाइड, देन उसके बाद रिलीज डेट क्या है, कब आ सकती है, टाइमिंग क्या है, उससे भी जुड़ी और बातें अभी करेंगे। लेकिन क्या करना है, पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। एनिमल ऑन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी कब, 26 जनवरी को आपको मिल जाएगी भाई, रिपब्लिक डे पर रात के 12 बजे हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, जो संदीप रेड्डी वांगा जो इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने खुद रिवील आउट किया है कि जो ओरिजिनल क्लॉकिंग थी, ओरिजिनल रन टाइम था इस मूवी का 3 घंटे 21 मिनट, भाई 8 मिनट का एक्सटेंडेड कट के साथ इस मूवी को दिखाया जाएगा। और भाई मैंने मूवी देखी है 3 घंटा 21 मिनट की जो ओरिजिनल टाइम वाली थी, उसमें तो भाई बहुत कुछ था, लेकिन 8 मिनट में ये और क्या छुपाने वाले हैं, क्योंकि ए रेटिंग पहले ही दी गई थी। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, किस हिसाब का ब्रूटल वायलेंस और भी हो सकता है, या फिर क्या छुपा के रखा है, उसके लिए एक्साइटमेंट है। तो 3 घंटा 29 मिनट में ये मूवी आने वाली है ओटीटी पर। देन बजट अगर मैं इसका बताऊं तो भाई 200 करोड़ के बजट में इसे कंप्लीट करा गया था। लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करते हैं भाई, इंडिया नेट कलेक्शन 553 करोड़ के आसपास ये मूवी कर चुकी सिर्फ नेट इंडिया से, एंड ओवरसीज कलेक्शन 254 करोड़ का लेके आई है। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 659 करोड़ का कलेक्शन ये सिर्फ इंडिया से कर रखा है, एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सभी को मिलाएं, ओवरसीज इंडिया ग्रॉस कलेक्शन सभी को मिलाएं तो 913 करोड़ का ह्यूज एंड ह्यूज वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन है, जो कहीं पर 915 करोड़ भी दिखा रहे हैं। खैर, 1-2 करोड़ का फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है, तो उस पर कोई बात, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, बड़ा मसला नहीं है। वैसे अब डायरेक्टर इसके हैं संदीप रेड्डी वांगा, जो अगर कास्ट की बात करें तो मेन लीड पर रणबीर कपूर हैं, देन रश्मिका मंदाना सेकंड मेन लीड पर, देन अनिल कपूर, देन एंड शक्ति कपूर, एंड मैनी मोर आर्टिस्ट जो भाई दबा के काम किया है। और सबको मतलब इस मूवी से भाई छोटे से छोटे कैरेक्टर हमें उभरते नजर आए, लाइक हम बॉबी देओल की बात करें भाई, निगेटिव करेक्टर किया, कोई ज़्यादा रोल नहीं था, 15 से 20 मिनट का ही मैं कहूँगा, इतना सही रोल था, लेकिन बावजूद इसके जो वो फाड़ के गया है, जो उसके भाई चमका है जबरदस्त, मतलब एक बारी के लिए भाई रणबीर कपूर का उतना नाम नहीं देखने को मिल रहा था जितना बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी देओल का नाम देखने को मिल रहा था। तो हो सकता है जो एक्सटेंडेड 8 मिनट का कट है, हो सकता है उसमें बॉबी देओल की और ब्रूटैलिटी देखने को मिल जाए, क्योंकि मूवी में जो ब्रूटैलिटी करी है उसने, उससे तो लोग फैन हैं ही हैं भाई, इसमें और क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए बड़ा एक्साइटमेंट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई वेट करो, 26 तारीख का रिमाइंडर सेट कर लो और मूवी आपको वहाँ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद। We'll be right back.